स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर के खरीजा यूसोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्य चौक से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित की एक पेट्रोल पंप संचालक की आवास पर अज्ञात चोरों ने दावा बोलकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वारदात के दौरान चोर 30 लाख की गहने और 3 लाख कैश लेकर फरार हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 8 जून को घोषणा की कि हरियाणा में युवाओं के लिए 25,000 और भारतिया की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ग्रुप बी के लिए भी अधिक युवाओं की भर्ती करेगी। आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बड़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं, इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है, उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम साहब, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी भर्ती पे असर पड़ा उसका। ये भर्ती जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आगे खड़ी हो गई है। अब ये भर्ती आगे चलेगी कैसे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से स्टे का इंतजार करेंगे या इस फैसले को भी लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती सीगर करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे। और जो आपने ये सोशो इनकम की बात कही है और जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी बड़ी तालियां पीटने का काम वो किया है, हमारी जो सोच है कि जो सरकार ने पीछे निर्णय लिया था कि एक गरीब परिवार का बेटा जो जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक जिस तक पीछे 2014 से पहले सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं करती थी, कहीं ना कहीं वो चाहे अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेता था,
परंतु जो गरीब व्यक्ति था वो तो सरकार की नौकरी तक भी नहीं आता था। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया कि जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी लंबे समय से नहीं है, उस परिवार को हम 5 अंक देकर के उसको आगे लाने का काम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। और इस फैसले का जो फर्स्ट बैच कोर्ट की थी उसने सराहना भी की है, ऐसा नहीं भी अच्छा काम किया है सरकार ने। सेकंड बैच का उनका मंथन कुछ और हो सकता है, उन्होंने अलग फैसला दिया है, परंतु गरीब की लड़ाई के लिए हमारी सरकार मजबूती से गरीब लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समय में जो इस बात का मजाक कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में किया, किसी का कोई अंधकार में भविष्य नहीं हुआ है। अगर किसी का हुआ है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भविष्य अंधकार में हुआ है। मैं ये बात कहना चाहूंगा जो इसके ऊपर वो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 अंक उस गरीब व्यक्ति को दिए गए हैं जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं था। और उसकी लड़ाई हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि उन गरीब लोगों को न्याय मिले, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार मिले, इस बात को सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार का दायित्व। ओडिशा में 10 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दशकों पुरानी हावी पटनायक सरकार को बर्खास्त कराते हुए पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। आज यू नो दैट इन नेक्स्ट फ्यू डेज द न्यू गवर्नमेंट विल बी स्वॉर्न इन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट मेनी सीनियर गेस्ट्स, वेरी सीनियर VIPs ग्रेसिंग द ओकेजन एंड दैट अपार्ट अराउंड 30,000 प्लस पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी। गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एमिनेंट गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो कंसिडरिंग दैट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज गियरिंग अप, we have had 2 rounds of review in last 2 days. Further, we are also reviewing the progress of the wards. We have distributed wards among senior officers, starting from reception of very important guests and delegates from outside the state who would come by air or by train or by road, how to receive them, what logistic arrangement has to be made. And similarly, for people from coming within the state also, we have planned everything. All those eminent persons in different sections of life, they how they will be received, where they will be put up, how the entire logistic arrangement, everything has been worked out, and very senior officer will be in charge of each of the tasks. Security arrangement has been made. There will be since we are expecting 30,000 plus crowd, so special traffic arrangements has to be organized, and DG, Commissioner of Police, DG, Director of Intelligence, all of them are working on now, and there will be strong coordination at the level of Home SS Home, who is supervising the entire arrangement for police deployment. तेलुगु देशम पार्टी के निर्वाचित सांसद और मनोनीत केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी भाजपा के साथ अब तक कोई मांग नहीं की है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम कोटा आरक्षण को संरक्षित करने की पार्टी की चुनावी वादे की पुष्टि की है।
आंध्र प्रदेश की प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ नायडू भी रविवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जाएंगे अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहां पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्र में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वैसे कोई डिमांड नहीं, हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है, और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी कोई बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है, तो बहुत खुश है। चंद्रबाबू का बड़ा रोल है इसमें। यस, जरूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है, और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। उस पे कोई चेंज नहीं होगा, हमारे हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी पिछले कार्यकाल में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी कार्यकाल हासिल करने वाले पहले नेता बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 आयोजित किया जाएगा, जहां न केवल मोदी बल्कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। समारोह से पहले दिल्ली मोदी के पोस्टर से भर गए हैं, जबकि पड़ोसी और हिंद महासागर रिम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथि के रूप में भारत की पड़ोसी प्रधान नीति पर प्रकाश डाला। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी नेताओं को आयोजन के संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए नई दिल्ली में रैसिना रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की प्रतिक्रिया में आया है। इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें मिली हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने परिणामों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, जहां परीक्षा देने वाले 24,00,000 छात्रों में से 67 छात्रों ने कथित तौर पर एक ही केंद्र से रैंक 1 हासिल किया। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को दोहराते हुए मामले की जांच की मांग की। इस तरीके से बीजेपी सरकार में इनका जो पुराना छाल है, हर स्टेट में पेपर लीका, नीट में भी लेके आया इन लोग ने, जो 24,00,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है पूरा देश में, उनका सपना है डॉक्टर बनना, इस देश में डॉक्टर बन के सेवा करने का, जो अभी 67 लोगों को, जो उन लोगों के लिए फर्स्ट रैंक दिया है, ये कैसे पॉसिबल है? 67 फर्स्ट रैंक कैसे आ सकते हैं? पहली बार देखने को मिल रहा है। और एक ही सेंटर से 8 बच्चे उसमें हैं, सीरियल नंबर जस्ट 2-3 आगे पीछे है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ करके पूरा देश का जो बच्चे है, जो दिन भर रात मेहनत किया, उनके माँ बाप से लेके सब लोग ने इसको आवाज उठाने का काम किया है। 2 बच्ची सुसाइड हुआ है अभी तक, 2 इन लोग ने इसको लेके जल्दी से जल्दी उसका कार्रवाई कमिटी बिठा के इंक्वायरी करो, इसका री एग्जाम करने का, उसका सरकार ने इसका आज फैसला लेना चाहिए। इनको आप लोग ने आज शपथ ले रहे, अच्छी बात है,
साथ में ये भी ले लो, लेट करेगा कितने और बच्चे सुसाइड करेगा, क्यों? उस बच्चे लोग ने मेहनत किया है सालों साल से, उनका सपना तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। 100% मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, इस नीट एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कुछ कौन है इसका जो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जो सही एक्शन नहीं होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने जो सरकार आते ही पेपर लीक के लिए करारा कानून इसीलिए लेके आ रहा था, इनका सारा पूरा आज प्रूव होगा। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी इसको कमिटी बिठा के री एग्जाम करवाइए, जो इंजस्टिस हुआ है बच्चे को उनको न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आज हमने सिंबॉलिक तौर पे इतनी प्रोटेस्ट किया है, जो आने वाले दिन में ये बहुत बड़ी लेवल पे किस लेवल पे करेंगे सरकार सोच नहीं सकते। इस देश का छात्र को लेके युवा कांग्रेस, हम सड़क पे उतर के इनको समझ क्या वो समझना चाहिए इनको, किस लेवल पे हमने इनको सबक सिखाने का काम करेगा। सैयद तोकिर अहमद प्रभारी निर्वाचन क्षेत्र दूरो और दक्षिण अध्यक्ष ने रविवार को टाउन हॉल की दूरी में पोलिंग एजेंटों के साथ बैठक की। अहमद ने मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि वो उनके सभी पोलिंग एजेंटों की कड़ी मेहनत से प्रभावित है और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए और कड़ी मेहनत कराने का आग्रह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक मेरा सोचना है, जो उमर साहब की मैंने बातें सुनी, शायद प्रीपोर अलायंस कहीं नहीं होने वाला है। और जहां तक उमर साहब ने मेरे साथ 10-15 बार बात की, अगर कहीं पे मजबूरी भी होगी, लेकिन अब की बार दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। वो जो भी लीडरशिप चाहे, लीडर हमारे जो लीडर वो चाहे, लेकिन होगा एनसी का। कोई अलायंस दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में अब की बार नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, जहां तक उमर साहब की तकरीर मैंने सुनी, प्री पोल अलायंस कहीं नहीं होने वाला। अब मियां साहब ने किन हालात में कहा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मजबूरी हो गई अलायंस की, आप मेरे से लिख के लीजिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई अलायंस नहीं होगा। बेसिकली आज हमारा ये तक फैसिलिटेट करना था अपने उन एजेंटों को जो उस कड़ी धूप में हमारे साथ पूरे दिन भूखे रहे, न कोई बिरयानी, न कोई चिकन, तो न कोई पैसा, तो उनको थोड़ा इनकरेज करना था। और साथ में इनको ये बोलना था कि चूंकि इलेक्शन कमिश्नर तैयारी करे इलेक्शन की, तो इनको मैंने बोला आज से हमने दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन का बिगुल बजाया और अपने साथियों से ही गुजारिश की कि आप तैयार रहिए, आज से ही घर घर जाके एनसी को और मजबूत कीजिए। देखिए, एनसी ने दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से 30,000 वोट हमें पड़े हैं और हमने 20,000 की लीड ली है। ये साउथ कश्मीर से सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में ये रिकॉर्ड है कि हमें एनसी को 30,000 वोट मिले हैं। हम कोशिश करेंगे आइंदा इसको और बढ़ाने की। मैंने इनको टारगेट दिया है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,16,000 वोट है, तो मैंने हम सब ने ये तय किया कि एनसी को अब की बार 60,000 वोट यहाँ से पड़ने चाहिए, ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बार हम हारे, हमारी मेहनत से, हमारे ब्लॉक साहिबान की मेहनत से, हमारे हर कस्तूर की मेहनत से, हमने डोरू को इतनी ऊंचाई पे ली। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए होनबिल टीवी।